जल है तो कल है, इस अवधारणा को लेकर के राजकीय इंटर कॉलेज गुनिया लेक के कक्षा 7 के बच्चों के द्वारा, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। वो भी प्राकृतिक तत्वों से, मिट्टी उसमें शामिल है मुख्य तत्व के रूप में। आइए जानते हैं इन बच्चों के द्वारा कि इन्होंने इस अवधारणा को किस तरह मूर्त रूप दिया। इस अभियान के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको सोच कहाँ से आई? हमको इस प्रोजेक्ट के बारे में जल शक्ति अभियान के तहत जानकारी मिली और हमने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया और इसमें इसको बनाने में पिरोल, मिट्टी एवं बहुत और कुछ चीज़ नहीं लगी थी, बस पहाड़ और रंग लगे थे। और इसके विचार में हम ये कहेंगे कि जल जीवन है और जीवन से ही पूरी दुनिया बसी है। इसके बारे में जो अवधारणा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर पहले पहाड़ बनाया सर, उसके बाद सर पहाड़ों से सर पानी आया सर, फिर नदी से सर यहाँ गया सर, यहाँ से सर पाइप से सर इधर टैंकी में गया सर, यही टैंकी से सर इस वाली टैंकी में रुका। अच्छा, इसकी पूरी मैकेनिज्म प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इस प्रोसेस में ऐसा है कि पहाड़ों से निकलने वाला नदी का पानी वो हम एक टैंकी में इकट्ठा करके उसे दूसरे दो छोटी टैंकी में इकट्ठा करके पानी को बचाने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। प्रोजेक्ट को बनाने आपको कितना समय लगा? 3 घंटे। अच्छा, तो ये लोकल के ही प्रोडक्ट से बनाए हैं आपने? हाँ। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। सावन का महीना है और ये लोग जल शक्ति और जल को संरक्षित करने के लिए शिवलिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। आपने शिवलिंग ही क्यों बनाया? शिव जी ने हमें जन्म दिया है, इसलिए यह गंगा से मिले हुए शिव है, गंगा से इन्हीं का ही ये शिव धारण किया है, इसलिए हमने शिव रूप दिखाया है। इसमें आपने क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की है? काली मिट्टी और रोल और गत्ता। ठीक। इन बच्चों के द्वारा पूर्ण रूप से प्राकृतिक वस्तुओं से इस शिवलिंग को मूर्त रूप प्रदान किया है।